तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विंडोज 7 को और उसके अपडेट्स को ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर विंडोज 7 का अपडेट्स चालू रहता तो हमें कैसा भी अपडेट्स के पैच की या किसी भी फाइल की जरूरत हमारे विंडोज को रहती तो वो यहाँ से ऑटो अपडेट्स के जरिए खुद ही ले लेता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपडेट्स बंद है। अब हमें खुद ही अपने विंडोज की जरूरत को पूरा करना होगा, वो भी मैन्युअली। और ये सब कैसे होगा, आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि .NET को इंस्टॉल करने के लिए हमें जो एरर आ रही है उसमें हमें कौन सी फाइल या पैच की जरूरत पड़ने वाली। दोस्तों, आप अपने सिस्टम को पहले चेक कर लीजिए कि जो फाइलें हम बताने वाले हैं क्या वो सभी फाइलें आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं या नहीं, और अगर नहीं तो वो कौन सी फाइलें हैं और वो कहां से मिलेंगी और उसको कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और .NET इंस्टॉल करने के टाइम जो एरर आ रहा है वो कैसे सही होगा, आज हम इस वीडियो के जरिए यही जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और आपको कोई दिक्कत आए इंस्टॉल करने में तो वीडियो में दिए गए इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेहदी और आप देख रहे हैं A to Z इन्फो गुरु। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस विंडोज 7 की तरफ और सिस्टम को चेक करते हैं कि हमारे इस विंडोज 7 में क्या क्या इंस्टॉल्ड है और क्या क्या हमें इसमें इंस्टॉल करना बाकी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिस्टम को अपने इस .NET को रन करने के लिए कि इसमें हमें क्या क्या फाइलों की ज़रूरत होती है। तो ये आप जान लीजिए कि ये क्यों कह रहा है ऐसा कि ये सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस 4.7.2 को। इसका मेन रीजन है कि इसको सबसे पहले जरूरत होता है विंडोज 7 को सर्विस पैक 1 यानी .NET 7.2 को 4.7.2 को .NET इंस्टॉल करने के लिए इसमें सर्विस पैक होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सिस्टम पर सर्विस पैक 1 इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है। तो सर्विस पैक 1 को जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो सबसे पहले ये देखिए आपके सिस्टम पर होगा माई कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, ये आइकॉन है कंप्यूटर का। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे लिखा होगा विंडोज एडिशन विंडोज 7 जो भी अल्टीमेट होम जो भी रहेगा, उसके नीचे हमें सर्विस पैक 1 मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर सर्विस पैक 1 नहीं है हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड, इस वजह से ये जो एरर हमें शो हो रहा है इसकी वजह से शो हो रहा है। अब इस एरर को हमें पहले खत्म करना है, तो सबसे पहले इस एरर को हम क्लोज करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया इस सिस्टम पर सर्विस पैक 1 नहीं है। अगर आपके सिस्टम पर सर्विस पैक 1 पहले से इंस्टॉल्ड है तो वीडियो आप वीडियो में बने रहिए, फर्दर आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको आगे क्या करना है जो एरर आपका आ रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हमें .NET कैसे इंस्टॉल करना है अपने विंडोज 7 पर जिससे हमारा 4.7.2 इंस्टॉल्ड हो जाए। तो इसको हम क्लोज करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं अपने उस पहली फाइल की तरफ जो कि है विंडोज 7 सर्विस पैक 1। और वो हमें कहां से मिलेगी, ध्यान दीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां नीचे आप जाएंगे मोर पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको विंडोज 7 सर्विस पैक 1 चाहे वो 64 बिट हो या 32 बिट हो दोनों का लिंक आपको एक ही फाइल में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर डाउनलोड। तो हम चलते हैं अपने उस सर्विस पैक 1। तो मैं सर्विस पैक 1 पहले से अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, रखा हुआ है डाउनलोड कर रखा हुआ है और इस फोल्डर के अंदर है। तो उस फोल्डर को हम सबसे पहले ओपन करते हैं।
सबसे पहली फाइल हमारी है सर्विस पैक वन। तो सर्विस पैक वन पर डबल क्लिक करते हैं और ध्यान रहे ये जो सर्विस पैक वन की फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लें। आपका सिस्टम चाहे वो 64 बिट हो चाहे वो 32 बिट हो, दोनों फाइलें इसी एक फाइल के अंदर आप इसको रन करेंगे। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो भी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपका 32 बिट है तो भी इंस्टॉल हो जाएगा। फाइल बड़ी है, 924 MB की है, टाइम लगेगा आपको डाउनलोड करने में, तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद सर्विस पैक को इंस्टॉल। तो ये हमारी फाइल रन होने के लिए तैयार है, हमने इसको किया रन। तो इसमें टाइम लगेगी, इसको यस करते हैं क्योंकि हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया था। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं, देख रहे हैं इंस्टॉल विंडोज 7 सर्विस पैक, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। इंस्टॉल विंडोज 7 सर्विस पैक 1, सेव योर वर्क, क्लोज ऑल ओपन प्रोग्राम एंड देन क्लिक इंस्टॉल। यहाँ ये कह रहा है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट द कंप्यूटर। जब ये सर्विस पैक आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक, अगर यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आप सिस्टम ये हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, और अगर नहीं चाह रहे मैनुअली तो इसको टिक अनटिक करते हैं, यानी चेक अनचेक कर। सर्विस पैक वन इंस्टॉल करने के बाद कंपलसरी है कि आपका जो सिस्टम है उसको रिबूट होना चाहिए, जिससे कि सर्विस पैक वन का इफेक्ट आपके सिस्टम में आ जाए, यानी वो इंस्टॉल होकर दिखाई देने लगे कि आपका सर्विस पैक वन इंस्टॉल हो चुका। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल क्लिक, ये हमारा सर्विस पैक वन इंस्टॉल हो रहा है, इसमें इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। और ये जो फाइल है ये ऑफलाइन फाइल है, लेकिन हो सकता है कि आपको फाइल की जरूरत पड़े तो आप इंटरनेट कनेक्ट करके रखिएगा, जिससे कि इसको कुछ जरूरत पड़े तो ये वहां से वो ले ले, यानी इंटरनेट से ले ले वो। वेट करते हैं अपने सर्विस पैक वन को इंस्टॉल होने तक। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मेरी स्क्रीन पर कि वो हमारा सर्विस पैक वन हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और चेक करते हैं कि सर्विस पैक वन हमारा इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं वहीं पर जहां पर हम पहले चेक किए थे कि हमारा सर्विस पैक वन इंस्टॉल है या नहीं है, माई कंप्यूटर की तरफ। तो हम लोग माई कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम लोग चेक करते हैं ठीक पहले की तरह कि विंडोज 7 अल्टीमेट जो है हमारा है उसके नीचे सबसे पहले आप देख लीजिए कि सर्विस पैक 1 यहां पर लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि हमारे सिस्टम पर सर्विस पैक 1 वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अब इसको हम करते हैं क्लोज, अपने चलते हैं अगले स्टेप की। तो आज हम इस एरर को इस वीडियो के जरिए कवर करेंगे और सही तरीके से जानेंगे कि हम लोगों को इस एरर को खत्म करने के लिए क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं सबसे पहले हमने सर्विस पैक वन इंस्टॉल कर लिया सिस्टम पर, और अब हमें सेकंड क्या करना है इस एरर को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने उस फोल्डर की तरफ जहां पर हमने सब मटेरियल रखा हुआ है कि इस एरर को खत्म करने के लिए हमें किस किस फाइल की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों ध्यान रहे जिस भी फाइल की जरूरत पड़ेगी, हम लोग जो फाइलें हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस टाइम स्टैम्प सिग्नेचर के एरर को खत्म करने के लिए, उन सभी फाइलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर उस लिंक के जरिए उन सारी फाइलों को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना था और उसके बाद हमें क्या करना है। और पहला हमारा सर्विस पैक वन हो चुका है, अब सेकेंड हमारा है रूट सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम रूट सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम लोग फर्दर आगे वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस रूट सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स पर क्लिक करते हैं, यानी इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक, और ये देखिए यहां पर आया द इम्पोर्ट वॉज सक्सेसफुल। तो ये हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, अभी भी कुछ काम बाकी है वो हम आगे चलते हैं। तो यहां विंडोज पर हम क्लिक करते हैं और यहां सर्च बॉक्स में लिखते हैं MMC। MMC पर हमने क्लिक किया और ये S पर हमने क्लिक किया और यहां पर फाइल में गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने फाइल पर क्लिक किया, एड रिमूव पर हमने क्लिक किया और यहां पर देखिए आप देख पा रहे होंगे एक सर्टिफिकेट, यहां पर सर्टिफिकेट्स है। तो सर्टिफिकेट्स पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक, इसके बाद ऐड करने के बाद हम लोग आएंगे कंप्यूटर अकाउंट पर। ठीक, कंप्यूटर अकाउंट पर चेक कर देंगे, यानी इस टिक को हम लोग कंप्यूटर अकाउंट पर ले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिनिश कर देंगे।
इसके बाद यहां पर देखिए जो सेलेक्ट स्नैप है, यहां पर हम क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट्स पर, ओके करेंगे, हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहां हम लेफ्ट में आ जाएंगे, यहां पर सर्टिफिकेट्स लोकल कंप्यूटर पर, और यहां पर देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन है, तो यहां पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ऑल टास्क पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है और हमारा वो फोल्डर डेस्कटॉप पर, तो हम नेक्स्ट करते हैं और ब्राउज करते हैं और वही फोल्डर को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, डेस्कटॉप पर चलते हैं और वो डॉटनेट के अंदर वो फाइल यानी ये रूट वाली फाइल जो है हमारी यहां पर है और हम इसको ओपन कर, ठीक है, हम इसको ओपन कर, ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया, ठीक, नेक्स्ट कर दिया और इसको फिनिश कर, द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल, तो हम इसको ओके कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं, इसको नो कर देते हैं, इसको नो कर, ये हमारा सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है, यानी फर्स्ट पार्ट सर्विस पैक वन और सेकंड पार्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट रूट सर्टिफिकेट को हमने इंपोर्ट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब बारी आती है हमारे तीसरी की, वो है पैच। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस फाइल को रन करने के लिए, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं इसको, सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं, तो इसको हम ओपन करते हैं, राइट क्लिक और ओपन करते हैं इसको इंस्टॉल करने। तो दोस्तों ध्यान रहे वो एरर हमारा यही है, द टाइम स्टैम्प सिग्नेचर एंड और सर्टिफिकेट कुड नॉट बी वेरीफाइड और इज मैलफॉर्म्ड। इसी एरर को आज हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा और हम उस तीन नंबर फाइल पैच को अपडेट करने जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल द फॉलोइंग विंडोज सॉफ्टवेयर, यस पर हम क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा विंडो ओपन हुआ है वो पैच फाइल को इंस्टॉल करने के लिए। ये हमारी तीसरी फाइल है जो कि इंस्टॉल हो रही है, और वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमें .NET 4.7.2 का इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कह रहा है कि सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सर्विस पैक 1 को इंस्टॉल होने के बाद उसका इफेक्ट देखने के लिए हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ा था। तो ठीक उसी तरीके से इसका भी इफेक्ट देखने के लिए कि ये पैच फाइल हमारे सिस्टम पर अपडेट हो चुकी है तो इसे हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले सिस्टम को हमारे रिस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने अपना थर्ड वाली फाइल, यानी फर्स्ट हमारी थी सर्विस पैक वन, दूसरी थी हमारी रूट सर्टिफिकेट और तीसरी थी हमारी वो केबी वाली पैच फाइल, तो हमने तीन फाइल इंस्टॉल कर दिया है। और अब हम चलते हैं अपने फर्दर आगे की तरफ कि हमें आगे क्या करना है। तो हम अब आगे चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ कि कुछ हमारी और फाइल बची है या नहीं बची है। जी नहीं, तो सबसे पहले सर्विस पैक वन था, दूसरा रूट सर्टिफिकेट था, तीसरा वो पैच फाइल थी, चौथा नंबर है हमारा डॉटनेट 4.7.2। अब हम अपने फाइनल उस मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं जहां पर हमें अपना काम पूरा करना है। तो सबसे पहले हम इस चौथे वाले अपनी फाइल को डॉटनेट को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं इस फाइल पर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और यस करते हैं। मिनिमाइज कर दिया मैंने उसे। अगर ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाता है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ये वीडियो शेयर भी करना उन लोगों को जिनको जरूरत है, जैसे कि आपको दोस्त हैं, हित मित्र हैं, उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनकी मदद हो। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है और हम वेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये विंडो ओपन हो चुकी है इंस्टॉल करने वाली। तो यहां हम चेक करते हैं आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स और इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। और इस वीडियो का पार्ट वन हमने बनाया हुआ है, जिन दोस्तों को वो पहले वाला एरर जो मैंने दिखाया था वो वाला एरर अगर आ रहा हो तो वो वीडियो पहले जाके देख लें और उस वीडियो को देखकर अपने एरर को खत्म कर लें। और जिन दोस्तों को ये टाइम स्टैम्प वाला एरर आ रहा हो वो दोस्त ये वीडियो देख करके अपना एरर खत्म कर लें और अपना वो सॉफ्टवेयर जो .NET की वजह से नहीं चल पा रहा था वो उनका सॉफ्टवेयर आसानी से उस पर रन करेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल करने में कुछ भी दिक्कत आएगा तो नीचे जो है वो आपको स्क्रीन पर हमारा इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी वहां पर नीचे आपको मिलेगा, उस पर आप बेझिझक आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, हेल्प जरूर करूं। और एक कमेंट जरूर करिएगा, जब भी आपका काम हो जाए तो एक कमेंट, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसमें आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 ये चारों फाइलें जो है, ये जो चारों फाइलें हैं, ये चारों फाइलों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो पूरा देख लीजिए और आप वहां से फाइलों को डाउनलोड कर लीजिए और अपने एरर को खत्म कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए।
और वीडियो को, हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.7.2 हैज बीन इंस्टॉल्ड। और उसके बाद कह रहा चेक फॉर मोर रीसेंट वर्जन विंडोज अपडेट। तो विंडोज अपडेट मिलने वाली नहीं है, हमारा ये काम हो चुका है। तो दोस्तों अब हम अपना काम खत्म करते हैं और आप अपना काम स्टार्ट करिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे कि किसी और का भी हेल्प हो सके। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।